तो आज हम हैं मुंबई में। हमारी जर्नी हमें लेकर आई है बालाजी व्हील्स। बालाजी व्हील्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड नियो व्हील्स डीलर इन मुंबई। आज हम मिलेंगे मिस्टर योगेश पाटिल से, जो है बालाजी व्हील्स के ओनर। तो चलिए योगेश पाटिल से मिलते हैं। आई एम योगेश पाटिल, आई एम द ओनर ऑफ बालाजी व्हील्स मुंबई। हेलो योगेश जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड, वेलकम टू बालाजी व्हील्स। चलिए बातें अंदर चल के करते हैं। योगेश जी के साथ फ्रॉम बालाजी व्हील्स। नमस्कार। इन मुंबई, और अब हम उनसे बात करेंगे। तो वेलकम सर। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं योगेश जी, कि आपका नियो व्हील्स के साथ एसोसिएशन कब और कैसे शुरू हुआ? बालाजी व्हील्स एज अ फर्म हमने चालू किया है, 16 साल हो गया। 16 साल से हम लोग अलॉय व्हील बेच रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इम्पोर्ट अलॉयज बेचते थे, जो मेड इन ताइवान है, इंडोनेशिया है, चाइना है, थाईलैंड है। पर ये 4 साल बेचने के बाद हमें ये फील हुआ कि जो इंडियन अलॉयज़ है, जो न्यू व्हील्स बेसिकली इट इज़ एन इंडियन कंपनी, और ये इंडियन अलॉयज़ जो है ये उनसे बहुत बेटर है। तो धीरे धीरे हमने न्यू व्हील्स को इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया। डाउन द लाइन हमको ये फील हुआ पिछले 11 साल से कि यहाँ पर कोई भी चाइना अभी मैकव्हील्स हम लोग फिट नहीं करते, कोई भी इम्पोर्ट मैकव्हील्स फिट नहीं करते। वी ओनली सेल द इंडियन अलॉयज़ विच इज़ न्यू व्हील्स। सिंस आपका एसोसिएशन इतना लंबा है, 11 years इज अ लॉन्ग टाइम, तो ओवर दीज 11 years आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नियो व्हील्स के साथ? नियो व्हील्स को हमने ये देखा है कि पहले 4-5 साल जो हमने इम्पोर्ट का माल बेचा है, तो उसका कोई पीछे माए बाप था नहीं। जो भी है इम्पोर्ट माल आता था, हम किसी को जानते नहीं थे, पैसा फेंको तमाशा देखो। डाउन द लाइन ऑफ 11 years जो नियो व्हील्स के साथ एसोसिएशन है, सबसे पहले मेड इन इंडिया, जिसके लिए हम ऑलवेज प्रेफर्ड करते हैं। सेकेंड चीज़ हम लोग अलॉय व्हील डालते हैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, जो कार में चाहिए और जो नियो व्हील सबसे मेन एश्योर्ड देता है। तो 11 साल में हमने ये देखा है कि मेरे सब कस्टमर्स आर हैप्पी है, विच आर ऑन द नियो व्हील्स। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अब हम बात करते हैं कि नियो व्हील्स, आपने जैसे मैं देख सकता हूँ शोरूम के चारों ओर न्यू व्हील्स ही है बस। आपने बताया कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आप काफी सारी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे, नाउ यू हैव स्विच्ड ऑन टू न्यू व्हील्स कंप्लीटली, तो व्हाई न्यू व्हील्स? डेफिनेटली मैंने पहले भी आपको बताया था, अवेलेबिलिटी इज नंबर वन, सेफ्टी इज द टॉपेस्ट प्रायोरिटी जो न्यू व्हील्स में मिलती है। अगर मैं बोलता हूँ सेफ्टी क्या, जो इम्पोर्ट अलॉयज आते थे वो कम हीट ट्रीटमेंट हुए हुए आते थे, जो नियो व्हील्स के अलॉयज जो है ये फुल्ली हीट ट्रीटेड अलॉयज है। स्ट्रेंथन इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द नियो व्हील्स, जो इम्पोर्ट अलॉयज में नहीं है। हालांकि इम्पोर्ट अलॉयज जो महंगे है उसमें स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उसकी कॉस्ट नियो व्हील्स से काफ़ी बड़ी है। सेकेंड चीज, नियो व्हील्स जो है ये इंडियन नॉर्म्स जो है ARAI अप्रूव्ड है, ऑटोमोबाइल्स रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया उससे अप्रूव करता है, इसीलिए सेफ्टी के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है नियो व्हील्स ने। सेकेंड चीज, ये ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है, द ओनली वन कंपनी इन इंडिया कि जो नियो व्हील्स है और वो ISO 9001 सर्टिफाइड है, ARAI अप्रूव्ड है, तो हमें और दिखना नहीं है। थैंक यू, इतनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो कि मुझे पक्का यकीन है कि काफी सारे व्यूअर्स को हेल्प करेगी। तो अब हम जरा कुछ डिजाइन बताएंगे हमें जो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहे हैं। यस, आज का जो ट्रेंड चल रहा है, सबसे मेन जो फोकस है वो 16 इंच एंड 13 इंच के ऊपर ज्यादा है, 13 और 14 इंच, क्योंकि 16 इंच में क्रेटा जो है वो सबसे ज्यादा सेल होती है। किया सेल्टॉस है, क्रेटा है, इनोवा क्रिस्टा है, जो 16 इंच में आती है। तो हम लोग 16 इंच में अगर बात करते हैं तो स्विंग करके ये जस्ट नया डिज़ाइन लॉन्च हुआ है। ओके। उसके बाद पल्स है एक,
रडार है एक जो सबसे अच्छे चलते हैं। अपसाइजिंग में अगर हम लोग गाड़ी में जाते हैं तो ये ड्राइव करके एक डिज़ाइन है जो सबसे बेस्ट डिज़ाइन है, यूनिक डिज़ाइन है। ये हो गया 16 इंच का। 14 इंच के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप देखते हैं तो फिनिक्स करके एक डिज़ाइन है, एरो करके ये डिज़ाइन है। दीज आर द बेस्ट अलॉयज एज पर फॉर वैगनर। सो अच्छा, तो ये डिज़ाइन अपसाइजिंग के लिए है। What is the difference? इसमें मुझे एक रेड लाइन दिख रही है और इसमें मुझे रेड लाइन नहीं दिख रही है। जैसा नियोविच में ही हम लोग बात करें, ये डिज़ाइन जो है इसको BM कहा जाता है। BM इज द ब्लैक फिनिश, ब्लैक मशीन। सेम चीज़, सेम मैकविल, सेम व्हीकल के लिए ये जो है, जिसको हम लोग अंदर रेड लाइन है, अंडरकट रेड, ये डिज़ाइन का स्पेसिफिकेशन है, अंडरकट रेड लाइन। अंडरकट रेड, आप थोड़ा सा अंडरकट के बारे में बताएंगे? डेफिनेटली। कस्टमर जब हमारे शॉप पे आता है या किसी आउटलेट पे आता है तो सबसे पहले ये देखता है कि अलॉयज कौन कौन से हैं। उसका एक रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे टायर कार से बाहर चाहिए, किसी को टायर कार के अंदर ही चाहिए, एज इट इज़ जैसा ओई में आता है। जो जिनको कार के अंदर ही टायर चाहिए वो फ्लैट अलॉयज जनरली लगाते हैं। अंडरकट कहाँ पे आता है, किसी को टायर बाहर निकालना है गाड़ी से, उसको टायर को दिखाना है कि वो बहुत सारा बाहर है, तो वहाँ पे ये अंडरकट आता है। जैसा हम लोग अगर फोकस अगर लेते हैं तो यहाँ पे अंडरकट डेप्थ डिज़ाइन ये रेड है, यहाँ तक ये अलॉय व्हील का जे जो है वो बहुत बड़ा है, तो टायर ऑटोमेटिकली इट विल कम आउटसाइड, इसीलिए वो अंडरकट डिज़ाइन यूज़ करते हैं। ये तो बहुत ही नॉलेजेबल था कि अपसाइजिंग के लिए इनके पास काफ़ी कस्टमर्स आते हैं जो अंडरकट रेट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी वाइड रेंज ऑफ न्यू व्हील्स के अलॉयज दिख रहे हैं, तो कितने टाइप के फिनिशेस डिज़ाइन जैसे आप बात कर रहे थे तो अभी आपके पास अवेलेबल है? न्यू व्हील्स के पास जहाँ तक मेरा नॉलेज है 15 से ज़्यादा वराइटीज़ है जिसमें अलग अलग टाइप के डिज़ाइन से अलॉयज़ बनाते हैं। एंड वराइटीज़ तो 100+ है। जैसा एग्जाम्पल जो मैंने 15 चीज़ जो बोला था उसमें से जैसा इसको BM बोला जाता है, BM मतलब ब्लैक मशीन। कुछ लोग डायमंड कट बोलते हैं, ये डायमंड कट फिनिशेज भी न्यू व्हील्स बनाती है। यहाँ पर एक है हाइपर ब्लैक, जो जिसको हाइपर सिल्वर, हाइपर ब्लैक, ये दोनों फिनिशेज यहाँ पर अवेलेबल है। रेड लाइन BMRL ये एक डिज़ाइन है। और हमने लास्टली बात किया था अंडरकट रेड लाइन। बहुत लोगों की व्हीकल्स रेड कलर की होती है या वाइट कलर की होती है, उनको रेड लाइन चाहिए। काफ़ी सारे वैरायटीज़ अवेलेबल होते हैं। ये सारी वैरायटी के अलावा जो हमारे पास है इससे भी मोर देन 100 डिज़ाइंस अवेलेबल है, जो इनके वेबसाइट पे हम लोग जा सकते हैं। neowheels.com इनका वेबसाइट है जहाँ पे हमें बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, वहाँ पे आप चॉइस करके आउटलेट पे आ सकते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि स्टील रिम और अलॉय व्हील्स में डिफरेंस क्या है? अलॉय व्हील हम लोग क्यों डालते हैं स्टील रिम्स को हटा के? सबसे मेन क्वेश्चन ये है। स्टील रिम्स जो होती है ये हीट एब्सॉर्ब करती है, विज़ाविज़ अलॉय व्हील जो होता है ये हीट रिजिस्ट करता है, तो इसीलिए हमारा टायर ठंडा होता है, फ्रिक्शन कम होता है और गाड़ी का स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होता है। सेकेंड चीज़, स्टील रिम के डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं, जब गाड़ी चलती है डाउन द लाइन उसके बाजू का जो साइड होता है वो हमेशा डैमेज हो जाता है। विज़ाविज़ अलॉय व्हील का जो साइड होता है ये रिजिड होता है, ये कभी भी डैमेज नहीं होता है, तो इसीलिए जो रोलिंग रेजिस्टेंस जो गाड़ी को चाहिए कि जिसकी वजह से गाड़ी स्मूथ चलना चाहिए, तो वो अलॉय व्हील से होती है। इसीलिए अलॉय व्हील डालने के बाद गाड़ी आपका ब्रेकिंग स्मूथ, हैंडलिंग सबसे ज़्यादा और ड्यूरेबिलिटी बेस्ट, इसीलिए अलॉय व्हील चॉइस होती है। इसको ही पॉइंट ऑफ व्यू अगर देता हूँ तो टॉप एंड जो गाड़ियाँ होती है इसमें कंपनी अलॉय व्हील लगा के देती है। तो ये एक और क्वेश्चन की तरफ जाता है कि काफ़ी लोग की ये मेंटेलिटी है कि अलॉय व्हील डालने के बाद मेरी गाड़ी का एवरेज कम हो जाता है। बहुत बड़ा मिथ है कि कोई कस्टमर थोड़ा सा नॉलेज नहीं है उसको, तो उसको ऐसा फील हुआ हो जाता है कि अलॉय व्हील डालने से एवरेज कम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। अलॉय व्हील डालने से एवरेज उल्टा बढ़ेगा। सिंपल चीज़, अगर एवरेज कम होता है तो आज हर कोई गाड़ी, हर कोई वेरिएंट में अलॉय व्हील डाल के देता है। एवरेज घटाने के लिए वो टॉप एंड गाड़ी लेता है ऐसा तो है नहीं। टॉप एंड वो पैसा देता है क्योंकि उसको स्टेबिलिटी अच्छी चाहिए, इसीलिए वो अलॉय व्हील वाली गाड़ी खरीदता है।
सेकेंड चीज, क्यों अलॉय व्हील बेटर है, क्योंकि आप अगर देखेंगे टॉप एंड कोई भी व्हीकल ले लो, आप BMW ऑडी ले लो, वो आप ड्राइव करो, स्टेबिलिटी है पूरा, विजावी स्टील रिम्स में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए अलॉय व्हील सबसे बड़ा चीज़ है, जो रोलिंग रेजिस्टेंस सबसे मेन है, जो मैंने बताया था कि उसके लिए अलॉय व्हील के सिवाय दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, सेफ्टी है सबसे मेन। तो अलॉय व्हील से एवरेज बढ़ना ही बढ़ना है, कम बिल्कुल भी नहीं होना है। एक पॉइंट पे मैं आपको बता देता हूँ कि लोग बोलते हैं कि अलॉय व्हील से एवरेज इसीलिए बढ़ता है कि कुछ लोग ओवर चले जाते हैं, हमारे गाड़ी से डेढ़ गुना बड़ा अलॉय डाल देते हैं जो स्पेसिफाइड नहीं है, फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, फिर वो बोलते हैं कि यार अलॉय व्हील से एवरेज घटता है। तो रॉन्ग अलॉय व्हील फिटमेंट इज वेरी बैड, और वो करना भी नहीं चाहिए, उससे एवरेज घटेगा। बट ओरिजिनल अलॉयज आप डालो जो स्पेसिफाइड है, उससे एवरेज बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिफाइंग दीस डाउट्स। जैसा हमने अभी देखा है कि आउटलेट के बाहर मेरे पास एक कस्टमर है जो इनोवा क्रिस्टा लेके आया है, और उसे ये रडार डिज़ाइन दो दिन पहले उसने ऑप्शन करके चॉइस करके हमने मंगा के रखा है। तो हम लोग वो देखेंगे कि इनोवा क्रिस्टा में ये रडार डिज़ाइन कैसा लगता है। उसके गाड़ी में ऑलरेडी ओरिजिनल अलॉयज है, एंड वी आर चेंजिंग ओरिजिनल अलॉयज टू नियोविल्स अलॉयज, जिससे गाड़ी का लुक पूरा चेंज हो जाएगा। परफेक्ट, तो चलते हैं फिर देखते हैं कि कैसे ये नए अलॉय व्हील्स इंस्टॉल होंगे इनोवा क्रिस्टा में। डेफिनेटली, चलिए। सर, आपको याद है पहले गाड़ी का लुक कैसा था और अभी नियो व्हील्स के अलॉय डालने के बाद गाड़ी का लुक कितना चेंज हो गया है? ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। आई एम श्योर कि ये देखने के बाद आपके कस्टमर्स रियली रियली हैप्पी। डेफिनेटली। वैसे भी नियो व्हील्स अलॉयज लगाने के बाद आज तक जितने भी कस्टमर्स हैं मेरे, वो सब हैप्पी है। थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, आपने अपना पूरा दिन दिया, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हमें, गाड़ी पे व्हील लगाकर दिखाया। थैंक यू सो मच, और मैं आपकी टीम को भी इनवाइट करना चाहूँगा प्लीज़, जिन्होंने बहुत हेल्प की है पूरे दिन हम लोग के साथ। और मैं व्यूअर्स से कहूँगा थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।